करते हैं हरियाणा की कुछ खास खबरों की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में पुलिस कर रही है आत्महत्या। कानपुर ISP ने खाया जहरीला पदार्थ, हालत गंभीर बनी हुई है। जी हां, यूपी के कानपुर शहर में पूर्वी ISP पद पर तैनात 2014 बैच के IPS सुरेंद्र दास ने बुधवार तक के सरकारी आवास में जहरीला पदार्थ खा लिया। तबियत बिगड़ने पर उन्हें उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ISP ने जहर खाने की सूचना पर अस्पताल पहुंचे आला अधिकारियों ने उन्हें उर्सला से रीजेंसी के ICU में भर्ती कराया, जहां उनकी हालत गंभीर बनी हुई। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो ISP सुरेंद्र दास की है, जिन्होंने बुधवार को तक के मानसिक आघात के चलते जहर खा लिया है, जिनकी हालत बेहद गंभीर बनी हुई है और रीजेंसी हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है, जहां आला अधिकारी मौके पर जाकर देख रहे हैं, निगरानी कर रहे हैं। लखनऊ में TET BEd अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, जिसमें महिलाओं ने सिर का मुंडन कराया। इस प्रदर्शन में पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इस लाठीचार्ज के दौरान एक गर्भवती महिला शिक्षिका के पेट पर लाठी लगी है, जिसके बाद काफी महिलाओं में आक्रोश देखने को मिला और ये महिला की हालत बेहद खराब हुई है। जी हाँ, लखनऊ में प्रदर्शनकारी महिला शिक्षकों पर शिक्षक दिवस के दिन पुलिस ने लाठीचार्ज किया, जिसमें एक महिला गर्भवती के लाठी लगी है, जिससे उसकी हालत काफी खराब है। इस पूरे मामले पर योगी ने तीखा बयान देते हुए कहा है कि ये उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, जो इस जन्म में धरना प्रदर्शन करते हैं और सिर मुड़वाते हैं। इस तरह का तीखा बयान योगी ने दिया है। आप ही सुन लीजिए योगी के इस बयान को। मैं जानता हूं बहुत सारे लोग पैसे हैं जिनको पैसा ही धरना प्रदर्शन करना रह गया है। भगवान ने उनको बनाए इस बात को लेकर के है, क्योंकि पिछले जन्म के उनके कर्म कुछ ऐसे होंगे कि उनको इस वर्ष, इस बार, इस जन्म के लिए भगवान ने कहा कि जीवन भर धरना प्रदर्शन करते रहो, सिर मुड़वाते रहो, इसके अलावा कोई और कार्य नहीं करना है।